ओके, देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ईसीजी। अब ईसीजी क्या होता है ये देख लो। ईसीजी में पहली चीज तो यहाँ पे जनरली हॉस्पिटल का जो सीन आपको दिखाया जाता है टेलीविजन पे, ठीक है। तो एक मशीन बेटा एक पेशेंट को मॉनिटर कर रही होती है, ठीक, जो कि स्पेशल हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो इम्पल्स जो जनरेट होते हैं, ठीक है, उसको ट्रैक करके, ट्रेस करके एक स्क्रीन पे हमको एक स्पेशल इस तरह से जो डेटा है वो दिखाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखे होंगे, तो इसमें एक साउंड भी चलता है, पी पी पी, मतलब पर्सन जो है लाइव है, और एकदम से आपको पी इस तरह से साउंड देखने को मिलता है, मींस पर्सन का हो सकता है डेथ हो गया है। ये कार्डियक अरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हमको चेक करना है, तो ईसीजी, ईसीजी देखो, ई इलेक्ट्रो, सी कार्डियो, और जी मींस ग्राफ, इससे का शॉर्ट फॉर्म जो है यहाँ पे ईसीजी है। तो ईसीजी में देखो, एक मशीन जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो भी हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहा है, तो उसका एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे जो डिटेक्ट कर रहा है, जिस मशीन में डिटेक्ट होगा, ठीक, तो उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। समझ में आ गया? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन जो डिटेक्ट कर रही है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें देखिए, ये जो ईसीजी है, जनरली हमारे जो कार्डियक साइकिल है, इसमें हार्ट का जो एक्टिविटी जो होता है, जिसमें एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल जो है, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं ईसीजी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो इसमें देखो, ईसीजी जो है, इस इंस्ट्रूमेंट में हम देखे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ऐसा दिखेगा। अब ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें यदि हम देखे तो जो भी पर्सन है या जो पेशेंट की यदि हम बात करें, तो पेशेंट के साथ कनेक्ट करना होता है कुछ इलेक्ट्रिकल लीड्स, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो रहेंगे बेटा, हमारे दोनों भी जो रिस्ट है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, लेफ्ट एंकल में कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ चेस्ट में बेटा कुछ इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्ट करते हैं, ताकि हार्ट के फंक्शंस जो है वो हम चेक कर पाए। तो मल्टीपल लीड जो होती है हमारे चेस्ट रीजन पे रहेंगी, और सिंगल सिंगल जो है हमारे रिस्ट पर, और एक सिंगल जो होता है हमारा लेफ्ट एंकल, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के पहले बेटा एक स्पेशल टाइप का जो जेल है ये अप्लाई किया जाता है, और अप्लाई होने के बाद फिर हम जब देखेंगे तो हमको कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे एक आता है पी वेव, ठीक है, उसके बाद आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद आता है टी वेव। इस तरह से यहाँ पे थ्री टाइप की वेव मिलेगी। तो पी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शंस। तो एट्रिया जो है इसका डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मींस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शंस, और टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को रिपोलराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिपोलराइजेशन भी इसे कहते हैं। ओके, रिपोलराइजेशन। तो यही चीज आपको यहां पे जो है दिया हुआ है। तो देखो, हर एक पी की जो है उसमें ईसीजी आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसको हम लोग एक लेटर पी से लेके टी तक के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, ये है, जिसमें पी एक इंटरवल है, एक टी इंटरवल है, और एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से इसको तीन पार्ट में जो है डिवाइड कर दिए, ठीक। हाँ, अभी बता रहा हूं बेटा अथर्व, आपका आंसर भी बता रहा हूं, ठीक है, जस्ट वेट, क्लियर हो जाएगा सारा पार्ट। तो इसमें देखिए क्या चीज, पहली चीज तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रही है पी वेव, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया,
मतलब दोनों भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कुछ गड़बड़ी होंगी, तो पी वेव का ये जो पीक आपको दिख रहा है या तो नीचे चला जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी चेंजेस जो है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा ये जो एट्रिया है यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम जो है ये हो गया है, समझे? तो ये हमें समझ में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, डीपोलराइजेशन दिख रहा है। तो डीपोलराइजेशन एट्रिया होने के बाद फिर QRS कॉम्प्लेक्स, ये वाला ऐसा नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को बता रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, मीन्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या है बेटा, ये स्टार्ट जो होता है कैसे, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू रहेगा आर तक के, और एंड होता है कहां पे बेटा, एस तक के। फिर टी वेव जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल, अपने रिटर्न फॉर्म में आ रहा है, रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, तो ये टी वेव से हमें पता चलेगा। और एंड ऑफ टी वेव जो होता है ये मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल जो है मीन्स कॉन्ट्रेक्शन का जो एंडिंग है ये हमें यहां से पता चलती है। ओके, तो इस तरह से यहां पे हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखे। तो आपका जैसे डाउट आ रहा है जो, वो मैं क्लियर करा देता हूं। तो देखो यहां पे हमने क्या देखे, एक तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, ये हम लोगों ने कार्डियक साइकिल में स्टडी किए थे। तो हमने क्या देखे थे बेटा, कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें 0.1 सेकेंड एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन बताता है, बाकी रिमेनिंग जो है एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा। फिर उसके बाद 0.3 सेकेंड जो होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब दोनों भी रिलैक्स होते हैं तो 0.4 सेकेंड का होता है जो कि ज्वाइंट डायस्टोल होता है। तो इस तरह से कार्डियक साइकिल जो हमारा 0.8 सेकेंड का जो है, तो इसमें देखो जब ये ग्राफ यहां से इस तरह से चल रहा है तो ये एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन बता रहा है, लेकिन जब देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जस्ट इमीडिएट उसी के जस्ट बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब जब उसी के जस्ट बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इमीडिएटली एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका इंपल्स ज्यादा है, और एट्रिया रिलैक्स हो रहा है तो उसका भी इंपल्स है, तो जो ज्यादा वाली इंपल्स है वो कम वाली इंपल्स को हाइड कर देंगी। तो जो ग्राफ में जो डिटेक्ट होगा वो कौन सा होगा, जो हाई इंपल्स है, मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो QRS इसका जो पीक है वो ज्यादा हाई बनता है, ठीक है, इसलिए टाइनी इंपल्स जो होती है हमारी एट्रिया के रिलैक्सेशन वाला उसको हाइड कर देता है। तो इसलिए हमको QRS कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन वाला हमको यहाँ पे दिखाई देता है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा जो कि हमको टी वेव से पता चलता है। तो इस तरह से ये जो ECG है इस ग्राफ में हमें ये कंसेप्ट समझ में आता है कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है। और पर्सन में किसी भी टाइप का डिसीज है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो ये हम ECG की हेल्प से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे, क्लियर हो गया क्या अभी जल्दी से? ओके, अभी होस्ट वाले में आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, दो तीन लोगों के मैसेज आए, ईसा, आर्यन, हर्षिता, अनुश्री, खुशी। अब क्वेश्चन लेने वाला तो था मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेट करो, पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं सारी चीजों का, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, सारा पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? किसी को कुछ पूछना है, कार्डियक आउटपुट में डाउट है, रिवाइज करना है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट ले लूँ एक और बार जो बताया था मैंने, मिली वोल्ट में होता है बेटा। ओके, क्लियर है, चलो गुड। देखिए कार्डियक आउटपुट मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, यदि नहीं समझा होगा तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, जो कि हमारे कार्डियक साइकिल जो है उसमें हमने देखे थे, और साथ ही साथ हार्ट साउंड हमने देखे थे। तो हार्ट साउंड में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हार्ट साउंड दो टाइप का होता है, एक तो हार्ट साउंड देख लो, एक इंस्ट्रूमेंट स्टेटोस्कोप जिससे हम हार्ट साउंड जो है ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हार्ट साउंड जो है ये दो टाइप का है, एक होता है फर्स्ट हार्ट साउंड और एक होता है
सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट साउंड हार्ट साउंड जो है ये कब आएगा, जब हमारा क्या कहते हैं बेटा, जब हेलो बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वॉल्व जो है ठीक है ये क्लोज होता है तब। अब फर्स्ट हार्ट साउंड में इस तरह से मैंने एक ग्राफ बताया था, इधर से इसकी इंटेंसिटी और इधर इसका टाइम बताया था। तो इंटेंसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है इसका आवाज बहुत कम आता है बट इस तरह से लंबे समय के लिए होता है। और यही चीज सेकंड हार्ट साउंड की हम बात करें तो जब सेमीलुनर वॉल्व क्लोज होती है, तो सेमीलुनर वॉल्व के क्लोजर के टाइम पे सेकंड हार्ट साउंड होता है। और इसका इंटेंसिटी और टाइम देखे तो टाइम तो बहुत कम होता है बट बहुत ज्यादा लाउडर होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन होता है बट ये लाउडर होता है ठीक है। तो सेकंड हार्ट साउंड जो है इसे डब कहते हैं और फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ये लब लब डब लब डब इस तरह से साउंड आता है ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कार्डियक आउटपुट समझाया था। कार्डियक आउटपुट का एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ ठीक है। उस फॉर्मूले में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया हूँ, कार्डियक आउटपुट के फॉर्मूले में इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कार्डियक आउटपुट जो होता है ये स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट होता है ठीक है। कार्डियक आउटपुट मीन्स एक मिनट में कितना ब्लड जो है ये पंप कर रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहेगा ये होता है 70 ml ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम की हम बात करें तो ये कितना होता है 70 ml होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को तो ये किस तरह से आएगा बेटा, तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का आप लोगों को मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से याद रखना ठीक है। क्या चीज, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, मतलब एक बार में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है ठीक है। तो इसको सिंपल डिफाइन करें तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग क्या है कार्डियक साइकिल। तो यहां पे क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड ठीक है पंप कितना हो रहा है एक कार्डियक साइकिल में वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है। और हार्ट रेट जो होती है बेटा 72 बीट पर मिनट होता है, कितना 72 बीट पर मिनट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डेटा आता है 5040 ml मींस अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास जो है ये हमारा आता है कार्डियक आउटपुट, मतलब एक बार में हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है तो हार्ट से ब्लड और बॉडी तक के जो सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक मिनट में 5 लीटर के आसपास जो है ब्लड की पंपिंग होती है। हाँ 5 लीटर ब्लड है ठीक है, एक मिनट में 5 लीटर जो है ये ब्लड जो है ये पंप होता है ठीक है। वेरी गुड प्रहलाद, लब की इंटेंसिटी जो है 0.15 है, डब की 0.1 ठीक है, वेरी गुड ग्रेट बहुत बढ़िया गुड प्रहलाद पार्थ, अच्छे सही आंसर मिले बेटा आप लोगों के। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसेप्ट समझे। इसके पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो भी पार्ट समझाया था तो कार्डियक साइकिल समझा रहा था बेटा ठीक। कार्डियक साइकिल में मैंने आपको यहाँ पे सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे थे क्या देखे थे बेटा कि कार्डियक साइकिल एक्चुअली होती क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा यदि कुछ कंफ्यूजन होगा आपको। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब रिसीव किया ठीक है, तो पहला इवेंट यहाँ पे बेटा ज्वाइंट डायस्टोल का है जिसमें चारों भी चैम्बर जो है वो रिलैक्स स्टेट में है ठीक है। रिसीव होने के बाद राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड क्या हो रहा है बेटा पास हो रहा है, तो राइट और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जब जा रहा है तो ये एट्रिया क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पहला तो जो था वो क्या था ज्वाइंट डायस्टोल था, ज्वाइंट डायस्टोल के बाद ब्लड पंप होगा बेटा, पंप होगा तो इस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साइनो एट्रियल नोड जो है वो एट्रिया तक के क्या है बेटा करंट भेजेगा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सेकंड जो यहाँ पे स्टेप था एट्रिया के कॉन्ट्रेक्शन का था एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का था, 0.1 सेकंड में यहाँ से दोनों भी जो एट्रिया आपको दिख रहे हैं यहाँ से ब्लड जो है फाइनली कहाँ पे वेंट्रिकल तक के पहुंच गया, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ठीक। इस टाइम पे जो होगा बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वॉल्व ऊपर रहेगा बट सेमिलुनर वॉल्व जो रहेंगी ये क्लोज रहेंगी। अब आता है यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का होता है ठीक है। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया रिलैक्स होगा,
ठीक, तो यहां पे इस तरह से वेंट्रिकल सिस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है, और फाइनली ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है ये 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये पार्ट जो है कार्डियक साइकिल में स्टडी किए थे। ठीक, और किस टाइम पे क्या होता है बैक फ्लो प्रिवेंट, और ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ईसीजी वाला पोर्शन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक, और ईसीजी के अलावा बाकी सारी चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मीन्स जितना भी जो पोर्शन समझने वाला है वो सारा हो गया। कार्डियक साइकिल को बार बार मैंने रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। किसी के कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और नहीं है तो फाइनली फिर आगे का जो पोर्शन है हम फाइनली फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे, अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा आगे। रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से, एवरीथिंग इज क्लियर, सो आज का क्लास जो है हम यहीं तक के कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज अच्छा है बेटा, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, टाइम लेकर के कॉल कर सकते हो। हाँ, इसी के बाद बेटा ईसीजी का जो टी वेव एंड हुआ उसके बाद फिर से रिपीट होगा, फिर कंटिन्यूअसली इस तरह से चलते रहता है। ओके, देखिए टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया ये दो टर्म हमें समझना था, जो हमारी हार्ट रेट जो होती है जिसमें हमने जो देखे 72 बीट पर मिनट होता है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा ये 72 बीट पर मिनट से जाकर के बढ़ जाता है, 90 भी हो सकता है या मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है। तो जब बढ़ गई तो इसके लिए टर्म यूज होता है, उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, जनरली 72 बीट पर मिनट है, यदि कम हो गई 60 या बिलो 60 हो गया तो उसके लिए ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। देखो बढ़ने के लिए, देखो ये ऐसा टी है, टी को मैं ऐसा इंक्रीज करता हूँ, है ना, ये इंक्रीज के लिए सिंबल में इस तरह से यूज करता हूँ, आपने देखे होंगे। तो ये जो इंक्रीज हो गया मतलब टैकीकार्डिया है, बी मतलब होता है बिलो, तो बिलो मतलब क्या हो जाएगा ब्रेडीकार्डिया होता है। तो इस तरह से आप ये वाला पार्ट याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था ब्रेडीकार्डिया टैकीकार्डिया, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, पूछा जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके चलो, तो एंड करें फिर आज का क्लास फाइनली। हाँ बेटा प्रज्वल, नहीं बेटा इलेक्ट्रिक शॉक अलग हो गया, जो हमारा हार्ट की एक्टिविटी है उस पर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट होती है प्रहलाद। नेक्स्ट क्लास में कार्डियक साइकिल रिपीट करना है आर्यन? ठीक है बेटा करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में कार्डियक साइकिल रिपीट करा दूंगा, डबल सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, और कुछ पार्ट यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास के पहले ही फाइनली मैं आप लोगों का जो है पोर्शन जो है आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। ठीक है, तो फाइनली एंड करते हैं बेटा, थैंक यू, थैंक्स आर्यन। ओके बेटा, गुड प्रहलाद, बाय बाय बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके देवांग, ओके एंड करें फिर आज का क्लास। चलो बाय बेटा, कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ बेटा, ये वन कॉन्ट्रेक्शंस में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, एक कार्डियक साइकिल हम कह सकते हैं। ठीक है, अथर्व, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।